ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इनेलो का प्रदर्शन, कई गंभीर मामलों को लेकर ज्ञापन सौंपने गए थे, बिजली, पानी, किसान, SYL, महिला सुरक्षा, लेकिन फिर बात घूम फिर कर आ गई महिला सम्मान को, विपक्ष के सम्मान को लेकर कि विपक्ष को उतना सम्मान नहीं मिल रहा है। वीरेंद्र चौहान जी, आपने सुना कि जिस तरीके से इनेलो और कांग्रेस दोनों का कहना है कि जब से आपकी सरकार आई है विपक्ष को सम्मान नहीं मिल रहा है, जबकि विपक्ष भी सम्मान का हकदार है। देखिए, बहुत विनम्रता से वरुण जी एक बात कहना चाहता हूँ जी कि हमारी सरकार प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है, किसी एक परिवार या कुनबे की सरकार नहीं है। हमारी सरकार आने के बाद प्रतिपक्ष की खूब सुनवाई हुई है। आज भी जो प्रदर्शनकारी थे इंडियन नेशनल लोकदल के, उनके लिए मुख्यमंत्री निवास में भोजन प्रतीक्षा करता रहा। ये एक प्रकार से राजनीतिक स्टंट रचने के लिए उसको ठोकर मार करके गेट पर ही खड़े रहे, क्योंकि इनको एक फोटो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी थी, एक हल्ला क्रिएट करना था। मुझे एक प्रश्न और करना है अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से, इनके लिए क्या गनमैन अंदर लेकर जाना ज्यादा महत्वपूर्ण था, या वो मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण थे जिन पर ये ज्ञापन देना चाहते थे? मुद्दों पर आ जाता हूं सर। किसान की समस्याएं महत्वपूर्ण थी, या मैं तो इन्हीं से पूछना चाहता हूं, इनके लिए मुद्दे गंभीर थे या अपना व्यक्तिगत सम्मान महत्वपूर्ण था? प्रतिपक्ष के नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री निवास नहीं जाऊंगा, ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान है क्या? इसको प्रजातांत्रिक मूल्यों का आदर कहते हैं क्या? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। वरुण जी, पहली बात तो सफेद और कोरी झूठ बोल रहे हैं कि ये बात, इस बात की जिद थी कि गनमैन को अंदर ले जाया जाए कि ना ले जाया जाए, कोरी झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और ऊपर से देखिए, इसमें मेरे कहने की और आपके कहने की बात नहीं है, ये जो विजुअल्स चल रहे हैं ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दर्शाते हैं कि गेट को बंद कर दिया गया था, और गेट बंद करके पुलिस अधिकारी, उनके सुरक्षा अधिकारी ऊपर से बात कर रहे थे, गेट खोलने तक की भी जहमत इन्होंने नहीं उठाई। तो ये दर्शाता है कि ये सामंतवादी लोग हैं, ये जो जिसको कुनबे की सरकार और इस प्रकार की बातें करते हैं। अरे, आपकी तो कैसी भी सरकार नहीं है, आपके मंत्री आपसे नाराज हैं, विधायक आपसे नाराज है, और जो प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने साथी विधायकों से नहीं मिल सकता, अपने नेता प्रतिपक्ष से मिलता हुआ डरता है, घबराता है, हरियाणा प्रदेश की जनता से मिलता हुआ घबराता है, आप उस मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे, आप खुद समझ सकते हैं। और हमने कभी जाने से मना नहीं किया था, लेकिन ये लोग बातें सुनने को तैयार नहीं है, ये लोग बात सुनने तक को भी तैयार नहीं है। अब आप वरुण जी एक बात बताएं, क्या हम अपने लिए गए थे? अरे, हरियाणा प्रदेश के किसान आज भुखमरी के कागार पर है। अगर मुद्दे तो गंभीर थे, पर वो कह रहे हैं कि आपने उन मुद्दों को छोड़कर फोटो अपॉर्चुनिटी करवाई। SYL का पानी नहीं आता तो हरियाणा प्रदेश की क्या स्थिति होगी, ये हमसे और आपसे और किसी से छुपी नहीं है। विषय तो महिला सुरक्षा का भी गंभीर है, बिजली पानी का भी गंभीर है, किसान का भी गंभीर है, स्वामीनाथन का भी गंभीर है। बिल्कुल वरुण जी, अब स्वामीनाथन को एक बात देखिए, वरुण जी नहीं, ये स्वामीनाथन आयोग को रिपोर्ट को लागू करने का नारा देकर के सत्ता में आने वाले लोग हैं। इनके जो आज कृषि मंत्री हैं वो नंगे बदन घुमा करते कपड़े निकाल करके कि स्वामीनाथन आयोग सरकार आ गई तो पहली कलम से लागू करेंगे, और उसके बाद कोर्ट में एफिडेविट देने वाले ये लोग हैं जो सरकार के आते ही 4 महीने बाद कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे देते हैं कि अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया गया तो प्रदेश की स्थिति बदहाल हो जाएगी। ये लोग चौहान जी दे दीजिए जवाब, ये लोग इतने झूठे लोग हैं, अगर ये कहेंगे तो मैं एफिडेविट दिखा करके इनको चुप कराने का काम करूंगा। ये लोग वो लोग हैं, तो इनसे अगर प्रदेश वंदना के पास भी जाना, जवाब दे दीजिए। वरुण जी, बहुत विनम्रता के साथ मैं उन डॉक्टर MS स्वामीनाथन के कल के कुछ ट्वीट्स का जिक्र करना चाहता हूं, जिनका नाम ले लेकर हमारे प्रतिपक्षी अपने झूठ के नारे लगाते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने 21 घंटे पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद फार्मर्स कमीशन अर्थात स्वामीनाथन आयोग की अनेक सिफारिशों को लागू करने का काम किया गया है। स्वामीनाथन आयोग ने कहा था किसान को अधिक पानी मिलना चाहिए सिंचाई के लिए, हमने व्यवस्था की थी। स्वामीनाथन आयोग ने कहा था बेहतर बीमा योजना मिलनी चाहिए, हमने व्यवस्था की है। किसान को सस्ता ऋण मिलना चाहिए, हमने व्यवस्था की है।
और ये बात मैं कहता हूं तो ये नहीं मानेंगे, मुझे झूठा कहेंगे। ये वही डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन कह रहे हैं, वही स्वामीनाथन कह रहे हैं जिनका ये जिक्र कर रहे हैं। चौहान जी, जो मुद्दे हैं जिनको लेकर ज्ञापन सौंपा गया, अब वो महिला सुरक्षा का मुद्दा भी है, वो बिजली पानी का मुद्दा भी है, वो एसवाईएल का मुद्दा भी है, इन तमाम चीजों को लेकर जब एक नेता प्रतिपक्ष पहुंचता है, गंभीरता आपको क्या लग रहा नजर नहीं आती ऐसे विषयों पे? हम इतने गंभीर हैं कि मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव स्वयं चल के जाते हैं, चंडीगढ़ पुलिस ने इनको रोका हुआ था, वहां से इनको लेकर आते हैं, इनके भोजन जलपान की मुख्यमंत्री निवास में व्यवस्था की जाती है, लेकिन इनको लगता है कि अगर अंदर जाके ज्ञापन दे आए और भोजन कराए, चाय पी आए, तो राजनीतिक जो इन्होंने रोटियां सेकनी हैं वो रोटियां नहीं सिकेंगी। तो इन्होंने राजनीतिक रोटियों के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वीरेंद्र जी भीतर इनका जो अन्न इंतजार कर रहा था उसका निरादर किया। वीरेंद्र जी, अभी आप बात कर रहे थे प्रजातांत्रिक मूल्यों की, आप बात कर रहे थे कि प्रतिपक्ष की सुनवाई हो रही है, क्या जनता तक की सुनवाई हो रही है? आप प्रतिपक्ष की बात करते हैं और ये मान लिया कि राजनीतिक स्टंट था, मान लिया कि इतने दिनों बाद इनको याद आया कि मंदसौर भी जाना चाहिए, लेकिन आप एक बात बताइए, यहाँ पर ये पहला एग्जाम्पल नहीं है, पहले भी ऐसे हो चुका है, चाहे वो इनेलो पार्टी की तरफ से या चाहे हमारी पार्टी की तरफ से, ऐसे है कि विपक्ष के लिए सम्मान नहीं दिखाया गया। अगर मैं बात करूं इलेक्शन के समय अभय चौटाला जी की गाड़ी को वहां से निकलने नहीं दिया गया कि यहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि उनको अलाउड था वहां पर जाना। दूसरी बात, हुड्डा जी से पूरी बात सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। पूर्व सीएम की सुविधाएं जिस ढंग से ली गई है, बोलते हुए वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप तो छड़े हैं, आपको इन सब चीजों की क्या आवश्यकता है, तो जिस नियत से लिया जा रहा है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, कि आपकी नियत क्या है, आपका रवैया क्या है विपक्ष की तरफ। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पर मुद्दे गौण हो गए, आज हम यहाँ पर बैठकर मुद्दों की बात नहीं कर रहे। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि हम उन मुद्दों पर ज्यादा हम चर्चा करते? क्यों उनकी चेकिंग की गई? प्रतिपक्ष के नेता थे वो। और यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगी, आप बात कर रहे थे स्वामीनाथन रिपोर्ट की, अमित शाह जी ने कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता। एक चीज और बताना चाहूंगी, किसानों के आज दो ही मुद्दे हैं, सबसे पहले आपका एक वायदा लागत से 50% अधिक मुनाफा, और दूसरा कर्ज माफी। आमदनी की बात मैं करना चाहूंगी, 2012-13 में एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के ये जो डेटाज हैं, 6424 रुपए उनकी पर मंथ आमदनी थी, और आज 1600 रुपए। और ये कौन बता रहा है? प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सलाहकार अरविंद जी बता रहे हैं कि 1600 आमदनी है। आप कहते हैं 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, 1600 की 3200, यानी कि 2012 से आधी। कौन से भ्रम में जी रहे हैं और कहां आप जनता को ले जाना चाहते हैं? मैं आता हूं आपके पास अजय गुलिया। कुल मिलाकर बात ये कि बेहद गंभीर मुद्दे लेकर आप गए थे, लेकिन जो कुछ हुआ उसमें मुद्दे गौण हो गए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वरुण जी, सबसे पहली बात तो एक देखिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात में जाकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि 43% हमने किसान के इनकम को बढ़ा दिया। स्वयं ये बात मानते हैं कि उसके अंदर जमीन की कॉस्ट को नहीं लगाया गया। इनको पता नहीं होगा क्योंकि ये किसान के बेटे नहीं है, तो एसी में रहने वाले लोग हैं। हरियाणा प्रदेश के 65% किसान जो किसानी करते हैं वो दूसरे की जमीन लेकर के, उगाई दे करके खेती करने का काम करते हैं, और पूरे भारतवर्ष के अंदर तो ये आंकड़ा 75-77% के बीच में है, इनको पता नहीं होगा। तो उसके अंदर से आप इस जमीन की कॉस्ट को कैसे निकाल सकते हैं? ये लोग तो कोरे झूठे लोग हैं। अब मुझे एक चीज और बताएं, मैं बिल्कुल स्थिति को स्पष्ट कर देता हूं। मुझे भी बताइए कि आज मुद्दे गौण हो गए, ये सब जो हुआ, आप बहुत गंभीर विषय लेकर गए। नहीं, बिल्कुल गौण नहीं हुए हैं, और हम इस बात को लेकर के हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे। वरुण जी एक चीज और, मैं बता देता हूं, जो ये बात कह रहे हैं उसमें भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अभय सिंह जी के साथ तो कोई पर्सनल सुरक्षा गार्ड नहीं है, उनको तो सरकारी सुरक्षा मिली हुई है। विपक्ष के नेता के होने के नाते उनको तो हरियाणा पुलिस के कमांडो मिले हुए हैं जी। तो ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं कि वो अपने निजी सुरक्षा कर्मियों को ले जाने की बात कर रहे थे। ये लोग तो कोरी झूठ बोलने वाले लोग हैं। आपको चौहान साहब छोड़ेंगे नहीं, हरियाणा की जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। जवाब आपसे जवाब मांगेगी जवाब, और हम ये बात लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। आप जनता के बीच में जाएंगे चौहान जी, आप जवाब दीजिएगा। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। वंदना पोपली, अजय गुलिया, दोनों ने जो आप सवाल उठाए हैं उस पर आप जवाब दीजिएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लेकिन जानने की कोशिश यही है कि हरियाणा में इतने गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन असल में हो क्या रहा है? छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।